पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूँ। हैरान परेशान दिखाई देने वाला ये शख्स कोई मामूली नहीं है। ये है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। जब खुद सरकार में थे तो आए दिन भारत को गीदड़ भभकी देते रहते थे। अब हाल कुछ ऐसा हो गया है और उनके इस हाल का आप अगर वजह जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही है, वो ये कि ये इमरान के समर्थन में है, पीटीआई नेता होने की कीमत चुका रहे। लेकिन उनके इस हाल में होने का कारण अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये 12 सेकंड का पूरा वीडियो देख लेना चाहिए, सारे का सारा मामला ही क्लियर हो जाएगा। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ पाकिस्तान में सरकार और सेना का एक्शन जारी है और जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण। एक और वीडियो में शाह महमूद कुरैशी आपको जेल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदालत ने उन्हें जमानत दी लेकिन वो जेल से जैसे ही बाहर आए किसी और थाने की पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। वो जैसे बाहर आते हैं उन्हें पुलिस दूसरी जगह ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाने लगती है जिस पर वहां खड़े उनके समर्थकों द्वारा हंगामा किया जाता है। मतलब कि इमरान खान के नेताओं के खिलाफ सिलसिलेवार कार्रवाई जारी है। जहां नेताओं को कोर्ट जमानत दे रही है तो दूसरी तरफ उनके जेल से निकलते ही दूसरे मुकदमों में उन्हें धर लिया जा रहा है। इससे इमरान खान और उनके समर्थक बुरी तरह से बिफरे पड़े हैं। उनके नेताओं का आरोप है कि सरकार जबरदस्ती पीटीआई छोड़ने का दबाव बना रही है। यही कारण है कि शाह महमूद कुरैशी ने जेल से निकलने के बाद सरकार की कोशिशों को फेल करने वाला बयान दे दिया है। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पार्टी के लिए दबाव डालने के लिए इतनी देर लगाई गई है? पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पार्टी के लिए दबाव डालने के लिए इतनी देर लगाई गई है? पाकिस्तान में पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा किया गया था। फिर कुछ मिनट बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी रिहाई के तुरंत बाद पार्टी नेता मुसर्रत जमशेद चीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुरैशी के रिहाई के आदेश दिए थे जब उन्होंने एक हलफनामा जमा किया कि वो आंदोलन करने और श्रमिकों को उकसाने से दूर रहे। अल कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके 24 घंटे के भीतर उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनवा में दंगों और आगजनी के मामलों में पूर्व विदेश मंत्री को गिरफ्तार किया था। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।